पति जी जी को वाइपर पसंद नहीं आया, ऊपर आ गया। अब क्या बोलते हैं इसका, माँ का दर्द फील कर पाती हूँ। बोलते ना जैसे हमारे माँ बाप बोल। गुड मॉर्निंग, और हो चुके अगले दिन की अगली सुबह। और कल आज ठाणे जी लोग चले गए थे, जैसे हमने इसके बर्थडे का केक काटा, मनमंद बर्थडे का केक काटा, तो जेठानी जी भी कल चले गए थे। और वीडियो तो मैंने बनाई नहीं, जब आप लोगों के सामने दिखी नहीं तो बनाऊंगी कैसे। तो आज ना बहुत सोना सोना लग रहा है, मतलब पतिदेव जी ने तो गाने लगाए हैं ताकि भरा भरा लगे घर, बहुत सोना सोना लग रहा। कल रात तो बहुत ही सोना लग रहा था, अभी तो चलो बाहर उजाला है तो ज़्यादा सोना सोना नहीं लग रहा है। और कल रात को तो भयंकर ही खाने को दौड़ा था, ना हमने बर्तन धोए ना हमने कुछ किया, हमने दरवाजा दरवाजे बंद किए और अपने आप भी सो गए। बहुत बेकार लग रहा है। और जैसे गुन्नू है ना, गुन्नू बहुत चिल्लाती रहती है, मतलब तो बहुत ज़्यादा, उठो तो गुन्नू की चिल्लाट, अगर सो तो गुन्नू की आवाज़ के साथ, इतनी गूंजती उसकी आवाज़। बोलता है ना जो ज़्यादा बोलता है ना उसी की, उसकी जब वो चले जाता है ना तो कमी महसूस होती है, बस वही है। क्योंकि गुन्नू जब सामने रहता है तो गुन्नू प्लीज़ मत कर मत कर मत कर बोलते थे। अब गुन्नू नया गांव चली गई है तो अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं बोल रहा है, आवाज़ आनी चाहिए थी। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं आते जाते रहेंगे जेठानी जी लोग भी, ऐसे नहीं कि आज चले गए तो फिर नहीं आएंगे, आते जाते तो रहेंगे। We miss you, Gunnu. तो बस ये अब मैं दिखाती हूँ घर तो कितना सोना सोना लग रहा है। हमने कपड़े वगैरह ना बाहर डाल दिए हैं, और अभी ये देखो, अभी गुन्नू गुन्नू ये देख, इसको छाप करना है गुन्नू। और यहाँ भी कपड़े वगैरह वगैरह सेट करने हैं। और मुझे लगता है इधर रखे हैं कपड़े, पता नहीं। तो ये चीज़ें सेट करनी है पहले, तो पहले सेट कर लेते हैं। इस बार ना मैंने किसी के जाने का ब्लॉग नहीं बनाया, अजीब सा लगता है यार। और आज जेठानी जी नहीं है ना, अजीब सा ही लग रहा है, नहीं तो मेरे उठने तक ना सब कुछ कर देती है, जैसे नाश्ता तो बना ही देती है कि अगर मैं बाद में ना बना पाऊँ तो खा तो लूँ। आज खुद करना पड़ेगा गाइस, आज बना के नहीं देगा कोई, खुद बनाना पड़ेगा। चलो नाश्ता बनाते हैं, और पता नहीं ये ब्लॉग आज ही डालूंगी कि कल डालूंगी, पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने बनाया तो कुछ भी नहीं है, खाली ऐसे ही बना रखा है, पता नहीं। देखते हैं आज डालते कि कल डालते। गाइस अभी बज चुके हैं, शाम के बज चुके हैं 6:30, और 6:30-7 बज चुके हैं। सुबह से हमने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, जितना आपको दिखाया उतना दिखाया, पूरा दिन बहुत अजीब लग रहा था बिना गुन्नू के। और अभी हमने जस्ट चाय वाय पी है, और पतिदेव गज्जी गए हैं थोड़ा सामान लेने के लिए, और अभी मैं और महाराजा जी हैं यहाँ पे। अब सोच रहे हैं कि सब्जी क्या बनाएं, और दिन जेठानी जी रहती थी ना तो बस यही रहता था कि, मतलब मैं सोचती नहीं थी कि सब्जी क्या बनाऊँ, सबसे बड़ा होता है ये सोचना ही, उन्हीं का रहता था कि क्या बनाना क्या क्या करना, वो चटपट कर लेती थी। अब एक टेंशन ले भी है, और ये देखो ये मुझे ब्लॉग नहीं बनाने देगा गाइस, इसने कसम खा रखी है कि ब्लॉग नहीं बनाने देना। बाकी यार सच में हमें ये घर बहुत बड़ा लग रहा है, सच में ये मतलब हमें ऐसा लग रहा था जो हम पहले थे जहाँ पे प्रेमनगर में वही अच्छा था यार, मतलब वहाँ पे एक तो वहाँ पे क्या था ना, हमारे इधर के भी थे हमारे साइड के भी थे तो बातचीत के लिए अच्छा रहता था, और अभी इस टाइम पे ना बहुत ही अच्छा रहता था बच्चे के साथ, और अभी यहाँ पे ना बहुत अकेला अकेला फील होता है। एक तो मैं पहले से ही उसमें रही हूँ जहाँ पे हमारी साइड के हों, हमारे हमारी साइड की बोल चाल हो, तो अभी यहाँ पे तो बहुत ही बुरा लग रहा, बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है पतिदेव जी को, और मेरे को वो भी बोले कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम दोनों को भी नहीं लग, दोनों के दोनों को नहीं लग रहा। और क्या कर सकते हैं, रहना तो है। जब हम घर बनाएंगे ना तो घर तो हमने गढ़वाली सोसाइटी बनाना है जहाँ पे सारे हमारे इधर के हों,
ठीक है, थोड़ा देर बाद मिलते हैं, अभी सब्जी उब्जी की पहले सोचते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ा देर बाद जब भी होगा। आजकल ना बच्चे के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है ब्लॉग बनाने का। और पतिदेव जी यहाँ पे वाइपर खरीद रहे हैं, ये देखिए गाइस, अब रिस्पॉन्सिबल पति बन चुके हैं गाइस, इसीलिए मैं ऊपर हूँ, मेरे पति वाइपर खरीदने के लिए नीचे जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे वाइपर होते हैं, कपड़े वाला वाइपर चाहिए, ये वाइपर चाहिए, वो वाइपर चाहिए। देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुझे कैसा चाहिए आगे से लेके। पति जी को वाइपर पसंद नहीं आया, ऊपर आ गया, आप क्या बोलते हैं इसका, इतने जिम्मेदार बनेंगे मेरे पति, मैंने कभी सोचा नहीं था, खुशी हुई मुझे इतनी जिम्मेदारी से। जैसे उन्होंने वो देखा ना, मैं तो बैठी थी यहाँ पे चट नीचे के, हेलो हाँ। तुम्हें इतना जिम्मेदार देख के मैं तो हैरान हो गई, क्यों कि तुमने सीधे उनको देखा, सीधे नीचे गए जैसे एक औरत जाती है देखने के लिए, पूछने के लिए। क्या हो रहा है? अब लग रहा है कि तुम सच में पापा बन गए हो, ये सच में पति हो। चलो मैं फ्रेंड मगर से लेके आता हूँ, मैं सामान सामान भी लेके आता हूँ। क्या गुड इवनिंग, और कल से ब्लॉग की कोई स्टार्टिंग नहीं हुई, जिसके लिए यार कान पकड़ के सॉरी, मैं नहीं बना पा रही हूँ ब्लॉग, पता नहीं टाइम ही नहीं मिल रहा है, और जो टाइम मिल रहा है उसमें मुझे फटाफट काम करना हो रहा है, ब्लॉग बनाने के चक्कर में लेट हो जाएगी, और क्या बोलूँ गाइस, और ऐसे तो बार बार नहीं कर सकती ना, इसी जगह पर बैठ के हेलो गाइस नहीं कर सकती है। और अभी अगले दिन के बज रहे हैं शाम के 6:30, और अभी पतिदेव जी गए हैं प्रेमनगर मार्केट, तो उनको खाना था चिकन, तो वो अपने लिए चिकन पता नहीं क्या लाएंगे, और मैंने बोला अगर चिकन लाओगे तो मेरे लिए पनीर लेके आना, अगर चिकन नहीं लाओगे तो पनीर और मशरूम लेके आना, क्योंकि सब्जी का भी बड़ा झोल है यार, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, शिमला मिर्च नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। बच्चे होने के बाद ना मतलब जिंदगी ना बहुत खराब हो जाती है, मतलब एक माँ को ना अब पता, अब अपनी मम्मी की अहमियत समझ में आ रही है हमको, जब हम खुद उस स्टेज पे हैं, मतलब बच्चे होने के बाद जो दर्द सहा, जो मेंटली फिजिकली इमोशनली जितने जो दर्द सहे वो तो अलग बात है, पर ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हम खाएंगे तो बच्चे बीमार, ये नहीं करना वो नहीं करना वो अलग बात, उसमें भी अगर हमारा मन कभी कुछ खाने का करे कुछ करे, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सो मतलब अगर माँ नहीं है ना तो पता नहीं बच्चे का क्या होगा। अब मैं ना अपनी माँ का दर्द फील कर पाती हूँ, बोलते ना जैसे हमारे माँ बाप बोलते हैं ना, जब हमको भी उनसे मुँह बजा देते हैं यार, बोल देते हैं कि क्या किया तुमने, तो अब पता चल रहा है कि उन्होंने क्या किया। एक माँ एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर लेना, वही उसके लिए सबसे सबसे बड़ा काम है मेरी नज़रों में, तो मतलब बहुत कुछ त्यागना पड़ता है माँ को, बहुत कुछ। अभी मेरा मन जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने का करे, अभी मेरा मन ठंडा पानी पीने का करे, मैं नहीं पी सकती, चाहे मेरा मन कितना भी हो, मुझे कितना भी मन करे कुछ भी करे, मतलब अपना मन मार के मुझे अपने बच्चे को देखना है, तो ये कम बड़ी बात है। खैर मैं ही कहिए तो दुनिया की सारी ही माँ करते हैं, पर आज ठीक है, पति देव जी क्या लाते हैं अब देखते हैं, मैंने तो अपने उपदेश बहुत दे दिए हैं, पता नहीं क्यों ही दिए मैंने उपदेश, तो पति देव जी का वेट करते हैं, पति देव जी क्या लाते हैं फिर हम क्या बनाते हैं फिर देखते हैं, अभी तो मैं वेट ही कर रही हूँ पति देव जी का, मैं बाद में मिलती हूँ। और हाँ इसके बाद मैंने एक क्लिप बनाया था शाम को, हम बाहर पे ऐसे ही बैठे थे, मैं मम्मी के साथ फोन में बात कर रही थी, तो पतिदेव जी और मैं ऐसे ही बैठे थे वहाँ पे, और पतिदेव जी ना मतलब जैसे हम लोग औरतें होती ना कि कुछ भी नीचे बेचने वाला आ जाए तो हमें देखने की पूछते हैं कितने का है क्या है, तो पतिदेव जी ने सेम ऐसे ही क्या, जैसे वो वाइपर बेचने वाली आई ना तो उसको तुरंत बोला कि आपके पास क्या है, ऐसा वाला वाइपर है ऐसा चाहिए, बिल्कुल जैसे औरतें बारीकी से देखते हैं ना वैसा वाला, तो अब लगा कि पतिदेव जी ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है एक पापा वाली। इसके बाद डालूंगी मैं वो क्लिप, अगर
हाँ बनाए तो है मैंने। इसके बाद देखो वो क्लिप, फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो यार इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है ना, 9 मिनट का ब्लॉग ये भी बनाया मेरे लिए बहुत काफ़ी है। अभी मैं सर में तेल ही लगा रही थी और एडिट भी कर रही थी, तो मैंने सोचा एंड भी यहीं पे कर देते हैं और ज़्यादा क्या दिखाना आपको। हो सकेगा तो मैं ना अपनी वीडियो को कंटिन्यू करूँगी आगे आगे, डेली व्लॉग लाऊँगी जैसा भी रहेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में अगली ताजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और